फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और भैया यार काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिलने का मौका मिला बिकॉज अभी थोड़ा बिजी हो गया अपनी लाइफ में। एंड अभी जो मेरा व्लॉग है वो है मेन यानी मैक्लोड के ऊपर ही बना रहा हूं। आपने बोला यार बार बार यहीं पे भाई अट जाता है, बट अभी मैं यहीं पर रह रहा हूँ तो उस करके। और अभी आप यहाँ पर मेरे पीछे और अभी मैं आपको वेदर दिखा रहा हूँ कैसा है कैसा नहीं। और इस टाइम पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली अनदर स्टेट में यानी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, धूप है कड़कती यानी पसीने निकल जा रहे हैं। और इस टाइम मैक्लोडगंज में कैसा टाइप मौसम है वेदर है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इस टाइम यानी आप हर साल ऐसा ही होता है यहाँ पे। जैसे आपका अप्रैल मई जून जुलाई ये जो 3-4 मंथ होते हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश होता है मैक्लोड में, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं अनदर काफ़ी स्टेट से आते हैं और यहाँ पे। और किस क्यों आते हैं वो आप मेरे इस टाइम फील कर ही पा रहे हो मेरे साथ कि क्यों यहाँ पे आते हैं। और इस टाइम अभी ये जो मंथ है ये है आपका मई मंथ और मई में इस टाइम पंजाब और वहाँ पर क्या हालत है और इस टाइम यहाँ पर कैसा ही एकदम चिल्ड मौसम है यानी यहाँ पर जैकेट डालनी पड़ती है, तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं। और बाकी मैं आपको बता दूँ तो यार जैसे सैटरडे संडे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे दो दिन बट अभी हवा इस टाइम काफ़ी चल रही है तो यानी इस टाइम तो फुल टू फुल वीक ही रश ले रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और अभी आप मेरे साथ यहाँ पर वेदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप अभी यहाँ पर आते हैं तो आपको कैसा वेदर देखने को मिलेगा और आप कैसे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो अभी बारिश और तूफान लग रहा है तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी यहाँ के व्यू वगैरह और आपको ये दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दिन में यानी एकदम धूप थी, मौसम एकदम साफ था और अभी शाम को 3-4 बजे वेदर कैसे ही एकदम हो गया चेंज यानी बारिश तूफान हवा। और इस साइड को जो आप देख रहे हो तो ये त्रियुंड वाला माउंटेन है जहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैकिंग के लिए शौकीन होते हैं मैक्लोडगंज में आके। और इसके सामने जो भी माउंटेन्स हैं ये स्नो वाले हैं, ग्लेशियर वाले माउंटेन्स हैं और इस टाइम वहाँ पे क्या ही फीलिंग होगी मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी यहाँ का वेदर मेरे साथ देख ही सकते हो मतलब कि क्या ही अमेजिंग चिल्ड मौसम है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया कि कल कितना ज़्यादा यानी तूफ़ान और यहाँ पे एक्चुअली वेदर का पता नहीं होता मैक्लोडगंज में कब कैसे कब कहाँ हो जाए यानी बिकॉज़ आप वहाँ गर्मी है यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है और शाम के टाइम तो काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे यानी ठंड होती है मैक्लोडगंज में। और बाकी यार मैं आपको बता दूँ तो जो यानी सैटरडे संडे है तो उस टाइम जो मेन स्केयर है और बागसू साइड है तो काफ़ी ही ज़्यादा रश रहता है वहाँ पे। और मेन स्केयर में भी ऐसे तो पूरा बीके आजकल ट्रैफिक रह रहा है वहाँ पे बट सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप खाली घूमने के लिए आ रहे हो तो आप डल लेक नड्डे और यानी बल बिल्लेस वहाँ तक जा सकते हो इसलिए। और डल लेक में भी अभी पानी वगैरह इतना है नहीं बिकॉज़ कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पे अभी पानी वगैरह लीक हो जा रहा है, कुछ वो लोकल रीज़न है और अभी क्या वो कम्युनिटी कर रही है सरकार या जो भी वहाँ की लोकल कम्युनिटी है क्या कर रही है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ यानी 5-6 मंथ से मैं देख रहा हूँ
तो पानी है नहीं, और अभी सीजन टाइम स्टार्ट है, गर्मियों में काफ़ी ही ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और काफ़ी ही डिसपॉइंटेड हो रहे हैं वो डल लेक देख के, बिकॉज़ वो एक टूरिस्ट के अट्रैक्शन का काफ़ी ही यानी प्रमुख स्थान है डल लेक। तो आप वहाँ जा सकते हो, पर अभी देखने को क्या मिलेगा। और अगेन नड्डी जा सकते हो, बल भी ले जा सकते हो, वहाँ पर रिवर साइड आप इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको बागसू वाटरफॉल जाना है तो उस साइड तो वही ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा आपका मेन स्केयर में, तो आप एक दो घंटे मान के ही चलो अपने। एंड बाकी अभी जो बागसू में आपका स्विमिंग पूल है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अभी टूरिस्ट होता है, इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी टूरिस्ट अभी जा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज़ धूप में गर्मी है यहाँ भी थोड़ी बहुत रहती है दिन में, तो काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी आप इंजॉय कर सकते हो। आगे वाटरफॉल जा सकते हो, वहाँ भी अभी पानी थोड़ा कम है बट आप फिर भी इंजॉय वहाँ पे कर सकते हो। और बाकी अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये मेरा फेवरेट प्लेस है फ्लैग हाउस, जो कि धर्मकोट के ऊपर है और डल लेक के ऊपर है, वहाँ से पैदल ट्रैक आता है और धर्मकोट से आता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग और एक पीसफुल प्लेस है। और यहाँ पे तीन फ्लैग्स वगैरह आप देख सकते हो, बिकॉज़ जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे काफ़ी शांति सुकून और एक फील मिलता है। और बाकी मैं आपको बता दूं तो यार, जब भी यहाँ पे आते हो, चाहे आप गर्म लाके सह रहे हो कहीं भी, तो अपना वार्म स्टफ़ लेके आएं, वार्म स्टफ़, बिकॉज़ रात को यहाँ पे ठंड रहती है और बारिश वगैरह हो जाए तो काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है। एंड बाकी मैं आपको बता दूं तो यार, धर्मकोट साइड भी काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं और वहाँ पे पिज़्ज़ारिया वगैरह भी है जहाँ पे आप पिज़्ज़ा वगैरह इंजॉय कर सकते हो, मार्केट भी है, होटल वगैरह भी है, वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। और काफ़ी साइलेंट प्लेस है धर्मकोट भी, और उसके ऊपर आपका गलू टेम्पल आ जाता है, और गलू टेम्पल के ऊपर आपका त्रिउंड का ट्रैक आ जाता है और सेकेंड वाटरफॉल का ट्रैक आ जाता है, ठीक है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा त्रिउंड का ट्रैक जल्दी करने की और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने की आपके साथ, पूरे बजट के साथ। और बाकी करेरी लेक का भी मैंने लास्ट करा था और उसमें भी आप सबने काफ़ी प्यार अपना दिया है, सपोर्ट करा है, और वहाँ भी आप लोग जा रहे हो और मेरे को पता चला था, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक्स। एंड बाकी मैंने मैक्लोडगंज का भी एक व्लॉग बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और एक मैंने धर्मशाला का भी व्लॉग बनाया हुआ है जहाँ पे आप दो दिन इजीली कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो, मैक्लोडगंज में भी दो दिन पूरे स्पेंड और धर्मशाला में भी दो दिन आप कहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो फिर अभी मैं लेता हूँ आपसे विदा और जल्दी आपसे मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।